भाई एक एक कर बन भाई बन करके डालो ना, एक एक करके डालो पहना के साइड पे भाई, एक एक कर साइड पे होते जाओ ना, पहना के साइड पे जाओ ना, कश्मीरियों का बूथ उनको दिखाया गया उस वक्त, उन्होंने कहा आज उन्होंने देखा ये यूपी बिहारी का बूथ है, वो उस शक्ल में 370 और 35 उठाने की शक्ल में यूपी बिहारियों को यहाँ ला रहे हैं, चाहे रेत ले जाने के लिए, शराब के ठेके ले जाने के लिए, चाहे कल हमारे दूसरे यहाँ जो मादनियात हैं उनको ले जाने के लिए, लेकिन ला कौन सकता है, झूठ नहीं मैं बोलूँगा, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन असेंबली नहीं ला सकती, अगर उस असेंबली की ताकत होती तो वो फिर परमानेंट कर देती 370 को, क्यों नहीं किया, मैं उनसे सवाल करता हूँ जो आज कहते हैं कि हमें वोट दे दो हम वापस लाएंगे, 370 तो था उन्होंने क्यों नहीं बचाया, परमानेंट ही करना था, अगर उस क्योंकि असेंबली के पास ताकत नहीं है, कल को भी इस असेंबली के पास ताकत नहीं, खाली वापस सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, ये नहीं है खुदा करे जज वो फैसला दे तो लोग जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं इंसाफ है फैसला, और 370 का कभी मतलब नहीं है कि हम देश की कोई मजबूती नहीं चाहते, जितना हम भारत को मजबूत देखना चाहते हैं इतना कोई और नहीं होगा, हम लोग कुर्बानी देते हैं, हमारे लोग जो बॉर्डरों पे यहाँ रहते हैं जहाँ मैं आज हूँ इन बॉर्डरों पे, राजौरी पुंछ के बॉर्डरों पे, उड़ी और वहाँ, हमें क्या कोई कहेगा, हमसे ज़्यादा कौन देशभक्त है, हम लोगों ने हर वक्त कुर्बानी दी है, चाहे 71 का जंग हो, चाहे 65 की जंग हो, चाहे 99 के कारगिल वार हो, हम लोग मरे हैं, हमारे लोग बेघर हुए हैं। पकर साहब आप ये मानते हैं कि जो देखिए मैं आपको ये बताऊंगा, कल की बातें जो है ये भी एक डराया जाता है, कौन है भाजपा वाले, क्यों आएंगे वो, किस चीज पे आएंगे, चार साल से तो उनकी हुकूमत है, मुझे तो लगता है वो डबल डिजिट नहीं क्रॉस करेंगे जम्मू में, जम्मू वालों का जो उन्होंने हाल किया डबल डिजिट में क्रॉस नहीं करेंगे, तो सवाल ही नहीं है कि वो कुछ कहीं से वोट ले लेंगे, वो किससे वोट ले लेंगे, अगर एनसीपी सरकार जम्मू कश्मीर के हालात की बात करें तो विधानसभा के चुनाव सरकार की तरफ से कहा गया था कि परिसमन के चुनाव परिसमन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए लगता है कि आप 6 मई लास्ट डेट है डिलिमिटेशन कमीशन को रिपोर्ट देने के लिए, हम पूरी उम्मीद है क्योंकि आप कमीशन ने पब्लिक डोमेन में ऑब्जेक्शन मांगे हैं, वो लोगों की उमंगों को मद्देनज़र रख के जो फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक आएगा, और हम तो तैयार हैं चुनाव के लिए, हमने तो बिगुल बजा दिया है, लेकिन उन्होंने इंसाफ करना है लोगों के साथ, और अगर वो इंसाफ नहीं भी करते हैं तो फिर भी तो उनको लोगों को तो इंसाफ देना है, क्योंकि लोग चाहते हैं अपनी एक हुकूमत बने। अगर अपनी पार्टी की बात करें तो जब अपनी पार्टी वजूद में आए थे तो उन्होंने कहा कि विकास के कार्य होंगे, बिजली फ्री दीजिएगा, आपको लगता है जिस प्रकार भाजपा की नीति है, जिस प्रकार प्राइवेट मीटर लगाए जा रहे हैं, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, तो किस प्रकार से देखते हैं भाजपा की रणनीति को? तो आज लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो आपको आज डरा रहे हैं मीटर लगा के, और ये इनको उखाड़ फेंको, इन लीडरों को उखाड़ फेंको, मीटरों को अपनी पार्टी आके खुद उखाड़ फेंकेगी, लेकिन फिलहाल इन लीडरों को उखाड़ फेंको। अगर अपनी पार्टी की बात करें तो किस तरह रणनीति रहेगी आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव, किस तरह के तो आपको बोला है, हम कोई इमोशनल बात बोलते नहीं है, हम सच बात बोलते हैं, इस विधानसभा का जो नई बनने जा रही है इसका एक ही काम होगा कि लोगों की बहबूदी के काम करना है, लोगों को रसाई मिले अपने चुने हुए नुमाइंदों तक,
बाकी डेवलपमेंटल काम्स, और डेवलपमेंटल काम्स में अपनी पार्टी से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग जानते हैं कैसे इन बच्चों को नौकरियाँ ही, सबको सरकारी नौकरियाँ नहीं दी जा सकती है। हमारी जो एक्सपर्टाइज है, हम खुद बिजनेसमैन हैं, हमें पता है इनको एम्प्लॉयर कैसे बनाया जा सकता है। आज तो चैलेंज वही होगा, कल को चैलेंज वही है, हम अपने बच्चों को कैसे करें। हम ये कहते हैं हमने तो प्रूव करके दिया है ना कि हम कोई फर्क भेदभाव नहीं करते हैं किसी मज़हब के साथ। जिस वक्त हमें तो थोड़ा टाइम मिला, हमने देखा है सर, बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर आज आए हुए हैं, जिस भी उनके साथ इंसाफ होना ही चाहिए, ना होने की बात क्या है। हम तो कहते हैं उनके साथ ना इंसाफी, और ये बराह रात बीजेपी ने किया, ये किसी और ने नहीं किया, बीजेपी ने किया। किसका लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ, किसकी सरकार है सेंटर में, ये क्या बात है? क्यों डरते हो आप लोग? आप प्रेस क्यों डरती है ये कहने से? सच बोलो, क्या करेंगे आप लोगों को? बहुत गई, थोड़ी रही है, 6 महीने और सही आपको तंग करेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों को तंग कर रहे हैं। जिस भी लीडर के पास आज तक ये गए हैं, इनको सिर्फ किन धानियां करवाई गई है, क्या आप इनकी बात मेरे भाई देखो,